बड़ी खबर रायपुर से बता दे, कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने बीजेपी पर तीखा वार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फ्लॉप हो चुकी है और पूरे देश की जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, अंग्रेजों को सात समंदर पार भेजा और अब बीजेपी की बारी है, अब बीजेपी को बाहर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात से इसकी शुरुआत होगी। और वहीं बृहस्पत सिंह के इस बयान पर धर्मलाल कौशिक ने भी तीखा प्रहार किया है, उन्होंने भी पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरा फ्लॉप हो चुके हैं, पूरी देश की जनता त्राहिमाम हो चुका है। जो गैस सिलेंडर था उसका कई गुने दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के कई गुने दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पे हो गई। तो ये लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, जिस तरह से सात समंदर पार अंग्रेजों को भेजा है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी ये कई सालों के लिए ये भेज देंगे। बृहस्पति सिंह जी का अनुभव कांग्रेस के बारे में है कि आज कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई है। हिंदुस्तान के जनता ने, सरकार की बात छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का बन जाए इस लायक भी नहीं छोड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर इस बार जाएगी। सरकार बनाने का सपना तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। तो अभी इस बार गुजरात में होने हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में बयानबाजी बेहद तेज हो चुकी है। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी और धनंजय जी हमें कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। सबसे पहले मेरा सवाल धनंजय जी आपसे, बीजेपी करीब धनंजय जी 15 राज्यों में इस वक्त परोक्ष या फिर हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में सरकार में है, तो वहीं कांग्रेस गिनतियों में है सर, उसके बाद भी आपको लगता है कि इस बार बीजेपी मुक्त हो जाएगा? देखिए, आपने एक बात कही कि परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में है जी, तो परोक्ष तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में है। जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को राज्यों के चुनाव से बाहर कर दिया था, उसके बाद जो ईडी सीबीआई आईटी और खरीद फरोख्त के बाद जो लोकतंत्र की चुनी सरकार की हत्या करके उन्होंने अपनी सरकार बनाने की षड्यंत्र किया है, ये जनता का समर्थन नहीं है। और पूरा देश आज गुजरात मॉडल के प्रकोप से पीड़ित है। पूरा देश जो है हर घर में गुजरात मॉडल का प्रकोप दिख रहा है, चाहे महंगाई की बात कर लूं, बेरोजगारी की बात कर लूं, चाहे गिरती अर्थव्यवस्था की बात कर लो या सामाजिक सौहार्द को खराब करने की बात कर लो, तो देश के 135 करोड़ जनता गुजरात मॉडल के प्रकोप से पीड़ित है और जनता ने मन बना लिया है कि जो अच्छे दिन के सपने दिखाकर जो देश को बुरे हालात में ला के खड़ी कर दिए हैं, जो 100 दिन महंगाई खत्म करने का वादा कर 8 साल में महंगाई चरम सीमा पर बैठा दिए हैं, जहाँ स्टेशन बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है, सरकारी संस्थाएं बिक रही है, बैंक डूब रहा है, LIC डूब रहा है और जनता से टैक्स भर रही है। दुर्भाग्य की बात है, रोटी पर 5% GST लिया जा रहा है और पराठा पर 18% GST लिया जा रहा है। अगर कहीं रेलवे स्टेशन में आप शौचालय का उपयोग कर लेते हैं तो उसका ही 12% GST लिया जा रहा है। ठीक है सुंदरानी जी, मैं पूछ रही थी सुंदरानी जी, एक बात तो है कि महंगाई बहुत बड़ी है, त्राहिमाम कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है महंगाई के कारण, और यही क्या वजह बनेगा कि बीजेपी का इस बार सफाया होगा? कांग्रेस के यही आरोप है। कांग्रेस अपने देखना बंद कर दे, कांग्रेस अपनी स्थिति को बचाने के लिए लगे। छत्तीसगढ़ से सफाया होने वाला है कांग्रेस का, राजस्थान तो लगभग तय हो चुका है, छत्तीसगढ़ से भी अभी इस बार इनका सफाया होगा। ये कितनी भी बात करे, भारतीय जनता पार्टी आज 15 राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और 4-5 राज्यों में, कांग्रेस सिमट कर 2 राज्यों में रह गई जिसमें अगले साल चुनाव होना है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार की आंधी है यहाँ पे, हर बार ईडी के रेड होते हैं, इनकम टैक्स के रेड होते हैं, करोड़ों रुपए का माल जब्त होता है, कोयले की काली कमाई का पैसा, शराब के नशाखोरी का पैसा, यह सरकार कहीं ना कहीं प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और देश की कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के दिन बुरे हो गए। निश्चित रूप से मैं आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के बयान से सहमत हूँ कि ये हारेंगे तो सही, लेकिन सम्मानजनक हार भी नहीं होगी। सुंदरानी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को बचा नहीं पाई थी बीजेपी, तो जो गुजरात से शुरुआत होगी कहीं उसका असर छत्तीसगढ़ में भी तो देखने को नहीं मिलेगा? कांग्रेस का ये कहना है कि गुजरात से शुरुआत होगी, धीरे धीरे सब जगह सफाया होगा। गुजरात में इनकी स्थिति क्या है आप सब जान रहे हैं, लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बची कुची कांग्रेस जो पिछला
धनंजय जी बेहद संक्षिप्त में, कैसी स्थिति है कांग्रेस की गुजरात में? श्रीचंद जी भी पूछ रहे हैं। धनंजय जी, श्रीचंद जी भी पूछ रहे हैं कि स्थिति कैसी है गुजरात में कांग्रेस की, सब जानते ही है। देखिए एक जो रावण था जिसको अहंकार था, दूसरा श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसको अहंकार है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता देश की जो प्रताड़ित है और कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। भाजपा का यही अहंकार उसको ले डूबेगा, जनता की आवाज को जो अनसुना किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी 54 सीट होने के बावजूद देश की लड़ाई लड़ रही है, जनता ने इनको 303 बिल्कुल। धनंजय जी, अब ये भरोसा है या फिर ये अहंकार है, आने वाले समय के साथ क्लियर हो ही जाएगा। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।